नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो या थ्री लेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। श्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम को नागपुर में सिंगल कॉलम पर फ्लाईओवर और मेट्रो की सुविधा के साथ तैयार हुआ लॉन्ग डबल डेकर ब्रिज, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धियां हासिल करने पर बधाई दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस परियोजना को पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक में शामिल किया जा चुका है। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करना वास्तव में हमारे लिए गर्व का क्षण है। वे इन असाधारण इंजीनियरों, अधिकारियों और श्रमिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं तथा उन्हें नमन करते हैं जो इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहे। महा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नागपुर में मेट्रो परियोजना को लागू करते हुए वर्धा रोड पर एक डबल डेकर वायाडक्ट, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर का निर्माण किया। 3.14 किलोमीटर डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण महामेट्रो और NHAI के द्वारा किया गया है। यह थ्री लेयर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊपर महामेट्रो, मिडिल लेवल पर रेलवे फ्लाईओवर और ग्राउंड लेवल पर वहां का मौजूदा रोड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ऋषिनाथ ने अपनी तकनीकी टीम के साथ प्रस्ताव का अध्ययन किया। प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन किया गया। उसके बाद सभी दावों की पुष्टि करने के बाद लंदन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुख्यालय ने हाल ही में महामेट्रो से पुष्टि की कि नागपुर के वर्धा रोड पर डबल डेकर वायाडक्ट दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट है। महामेट्रो के MD श्री ब्रिजेश दीक्षित को यह पुरस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ऋषिनाथ द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित बताते हैं कि अगर इन उपयोगिताओं को अलग अलग अलाइनमेंट पर बनाया गया होता तो वे दुगने स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जो बहुत कम है, और सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए इस अतिरिक्त कठिनाई का कारण बनता है। इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महामेट्रो से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या दोनों उपयोगिताओं का निर्माण एक ही अलाइनमेंट पर किया जा सकता है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को अगस्त 2014 में स्वीकृत किया गया था और इसके साथ ही वर्धा रोड NH 361 से उसी पास के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उसी सड़क पर 3.14 किलोमीटर के फ्लाईओवर की मंजूरी दी। इस प्रकार भीड़भाड़ वाले नागपुर शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड पर दोनों उपयोगिताओं का निर्माण किया जाना था। यह थ्री लेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्पेशल रिब और स्पिन डिज़ाइन पर निर्मित किया गया है। फ्लाईओवर हाईवे की ऊंचाई 9 मीटर और मेट्रो की ऊंचाई 20 मीटर हाइट पर किया गया है। आपको बता दें कि 2014 में इस परियोजना का भूमि पूजन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और 13 नवंबर 2020 को नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस मल्टी लेयर वायाडक्ट, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है, उसका 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन है और 0.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा 6 लेन है। इस पर 3 मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं, छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्ज्वल नगर। नागपुर के वर्धा रोड पर थ्री लेयर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के निर्माण से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण से बचने में मदद मिली और इस प्रकार भूमि लागत में लागत की बचत हुई और निर्माण समय और परियोजना लागत में भी कमी आई।
दोस्तों इस तरह का निर्माण इंडिया में और भी होना चाहिए, जिससे भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं से बचा जा सके और एक साथ कई सारी परियोजनाओं को मल्टी मॉडल लेवल में विकसित किया जा सके।